एवरीवन, दिस इज़ मी सृष्टि एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बटर मशरूम मसाला। नाउ आई नो कि इफ़ यू आर गिवन अ चॉइस ऑफ पनीर और अ मशरूम, वी विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर पनीर। बट टुडेज रेसिपी इज सो वेरी सिंपल, इट जस्ट रिक्वायर्स फ्यू सिंपल स्टेप्स एंड विद इन फ्यू मिनट्स यू कैन मेक अ वेरी टेस्टी एंड रिलिशिंग रेसिपी ऑफ मशरूम। नाउ एज अ नेम सजेस्ट दैट इट इज़ अ बटर मशरूम मसाला, ट्रस्ट मी, इसमें सिर्फ 1 teaspoon ऑफ बटर का मैंने यूज़ किया है। बट हाउ एवर, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ बटर। एंड बिफोर मूविंग, अगर आप चाहते कि इस तरीके की रेसिपीज़ में और भी ट्राई करूँ, तो प्लीज़ अपनी चॉइसेस, अपने सजेशंस नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। सो या, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। पसंद आएगा तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा। सो या, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू अवर रेसिपी नाउ। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 medium size ऑफ टोमेटोज, 8 से 10 गार्लिक पॉड्स, 2 हरी मिर्चें और 1 onion, जिसको कि मैंने रफली ऐसे ही सब चॉप कर लिया है। आपको बहुत ज़्यादा फाइन चॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सबको हम बाद में हम इनको ब्लेंड करने वाले हैं। 1 teaspoon ऑफ जिंजर पेस्ट और 1 bay leaf यानी तेज पत्ता, इसको भी हम ऐसे ही तोड़ के डाल देंगे। और इसके बाद मैंने 2 खड़ी लाल मिर्चें ली हैं, और इसको भी हम ऐसे ही रफली तोड़ के डालेंगे। 1/2 inch ऑफ सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, और ये मैंने 3 हरी इलायची ली है, इनको भी क्रश करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डाल सकते हैं। और 1/2 teaspoon ऑफ ऑयल। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 teaspoon ऑफ कैश्यू पेस्ट यानी काजू का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आप पेस्ट ना बना पाए तो आप 8 से 10 काजू को इसमें ही डाल दें मिक्सचर में, और जब हम इसको ब्लेंड करेंगे, हम पीसेंगे, तो वो भी साथ में ब्लेंड हो जाएगा। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम माइक्रोवेव में इसे रखेंगे, और मैं यहाँ पर 8 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव कर रही हूँ। 8 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम इस मिक्सचर को बाहर निकालेंगे, और अब हम इसे एक मिक्सर पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब हम इसे ब्लेंड करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल के ब्लेंड करिएगा, एकदम से ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि हमें काफ़ी फाइन पेस्ट इसका चाहिए। और जब तक मिक्सर ठंडा हो रहा है, यहाँ पर सेम मैंने बाउल यूज़ किया हुआ है, और इसमें 1 teaspoon ऑफ बटर डाल रही हूँ, और ये मैंने 1 cup ऑफ हरी मटर ली है, और 250 grams ऑफ मशरूम लिया है। अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ करते हैं तो आप 3 minutes का टाइमर रखिएगा माइक्रोवेव में, बट अगर आप मैंने क्योंकि फ्रोज़न मटर नहीं यूज़ की है, इसलिए मैं 5 minutes के लिए इसको माइक्रोवेव कर रही हूँ ढक करके। लेकिन अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करिएगा। अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मशरूम और मटर काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फूड कलर नहीं ऐड कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 3 teaspoon ऑफ यूज़ किया है, 1 teaspoon ऑफ गरम मसाला, 1 या 1.5 teaspoon आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं करीब 1.5 teaspoon कसूरी मेथी यूज़ कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं यूज़ कर रहे तो आप थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं, बट कश्मीरी रेड चिली से कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, उससे तीखापन नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 teaspoon ऐड किया है। अब हमने अपना मसाला जो पीसा था वो ऐड किया है, और सॉल्ट एज पर द टेस्ट, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं अभी से ग्रेवी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। और वापस से हम इसको माइक्रोवेव के लिए लगाएंगे, और मैं यहाँ पर इसको टोटल 7 मिनट्स के लिए लगा रही हूँ। तो मैंने 7 मिनट्स के लिए इसको लगा दिया है ग्रेवी को।
अभी कुछ मिनट्स बचे हुए हैं तो बीच में हम इसको खोलेंगे। और यहाँ पर मैं 1 से 2 टीस्पून में यहाँ पर फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं मर्ज़ी हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। और वापस से स्टार्ट कर देंगे। तो 7 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, हम अपनी वेजिटेबल को बाहर निकालेंगे। एंड दिस इज़ द वेजिटेबल, यू कैन सी इट्स लुकिंग सो टेम्पटिंग एंड द कलर इज़ सो ब्यूटिफुल। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हमको ऐसी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा रनिंग या पतला नहीं रखना है हमको ग्रेवी को, क्योंकि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है तो हमको इसी तरीके की ग्रेवी रखनी है। तो आपने देखा कि कितने कम ऑयल में और बटर में हमने इसको तैयार कर लिया है। और थोड़ा सा हरी धनिया से गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, डू ट्राई दिस रेसिपी, इट्स वेरी हेल्दी, वेरी नाइस एंड वेरी क्विक रेसिपी। एंड डू लेट मी नो हाउ इट टर्नड आउट। और अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो या टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय फ्रॉम मी।